नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और रोज की तरह आज हम लोग चर्चा करते हैं कुछ अलग नए विषय पर। और आज का एक हमारा विषय है धतूरा प्लांट को लेकर। धतूरा प्लांट और उसके जो कई सारे उपयोग है और उसके जो कल्प है उसी को लेकर आज का ये चर्चा। हम सभी जानते हैं धतूरा को, जब हम लोग सुनते हैं तो थोड़ा सा डर यह लगता है कि धतूरा प्रयोग कैसे करें या करना चाहिए या नहीं चाहिए। बट जैसे कि उसको तो शोधन करके ही इसका प्रयोग हमें करना चाहिए और फिर आप सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि इसके बारे में वही बताया जाता है कि धतूरे का प्रयोग आपको संभल कर ही करना है। जहाँ पे जैसे कुछ बहुत सारे कल्प है इसके हमारे पास, कनक सुंदर रस है, कनकातो है, इसका प्रयोग हम लोग आराम से करते आ रहे हैं, हम लोग कर सकते हैं। और विषगर्भ तेल है, इन सभी तेलों में धतूर ये डाला गया है। धतूर को लेकर हमारे पास जो भी सारी जानकारी है, जैसे बच्चों में या प्रेगनेंसी के दौरान अगर इसका प्रयोग आप करना चाहते हो तो थोड़ा सावधानी बरत कर हमें करना है। प्रेगनेंसी में तो इसका प्रयोग हमें नहीं करना है। तो इस प्रकार से आज के सत्र में हम लोग चर्चा करते हैं धतूर को लेकर। चलिए सबसे पहले धतूर एज द्रव्य क्या है, द्रव्य के हिसाब से इसमें क्या प्रॉपर्टीज है। ये धतूर कुल से ही ये बना है, यानी धतूर कुल से ही इसको डाला गया है। धतूर को अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये भगवान शिव को बहुत प्रिय है धतूर पुष्प, और यहाँ इसीलिए श्रावण मास में या भगवान शिव की पूजा जब भी की जाती है तो उसमें धतूरे का प्रयोग, पुष्प का प्रयोग जरूर किया जाता है। मातुलक, कनक, श्याम, खरजुग्न, कंटफल, मोहन, कलप, मातूल, तरल, दुस्तूर, महामोही, पुत्रक, शिव प्रिय, इस नाम से ये इसके जो पर्याय है वो दिए गए हैं। धतुरा, धतुरो, उन्मंत ऐसे भी उसका नाम है। और इसके तीन जातियां होती है, एक सफेद कृष्ण और राजधूत्रा। रसशास्त्र में भी इसका वर्णन बहुत डिटेल में किया है। कषाय मधुर तिक्त, विपाक कटु है, वीर उष्ण है, इसका प्रभाव मदकारी होता है और ये वात शमन करता है। और कुछ कभी वात शमन या कभी कभी वात कर भी इसका प्रकार देखा जाता है। कश्मीर या उसर उदर की टाइप में, नेपाल जैसे कुछ प्रांतों में ये राजधतुर के नाम से मिल जाता है। श्वेत धतुर जिसके पुष्प सफेद होती है। कृष्ण धतुर जो है ये इसका जो फल है ये औषधि में उपयोग में लाया जाता है। और बिल्कुल अलग अलग संस्थान पर इसका काम है। बट जैसे कि धतूरे का प्रभाव अगर आप कनकासो भी यूज करते हैं तो थोड़ा सा इसका सेडेटिव इफेक्ट होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा पेन या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में इसका कनकासो का प्रयोग किया जाता है। श्वास वेग के लिए धतूरे का बहुत ही अच्छा उपयोग है। बट जैसे मैंने बताया आप उसको जांच करके परीक्षण करके ही इसका प्रयोग करें। इवन ये एफ्रोडोसी के रूप में भी बेस्ट काम करता है, आगे मैं बताऊंगी। ज्वर की ही भेषज रत्नावली में ज्वर के अध्याय में ही धतूरे के कल्पों का प्रयोग बताया गया है। ये विषज्ञ भी काम करता है, जो रैबिस या जो जब कुत्ता वगैरह काटता है ना, इसकी विष बाधा जब होती है तो श्वेत पुनर्नवा के साथ धोतरा धतूर का जो मूल है इसका मिलाकर ठंडा पानी या दूध के साथ देना चाहिए, ऐसे बताया गया है। इसके पत्तों का, इसके बीज का एवं इसके रूट का, मूल का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी इसका जो शुद्धि है गाय के दूध में रखकर 8 दिन के लिए गाय के दूध में भिगो दीजिएगा बीज, इनके बीजों को, तो ये 8 दिन के बाद ये शुद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप भी अगर बीज का चूर्ण यूज कर रहे हैं तो 15 से 30 मिलीग्राम की मात्रा में, पत्तों का चूर्ण कर रहे तो बहुत कम मात्रा में करें, यानी 0.5 to 1.5 ग्राम। धूमपान के लिए कर सकते हैं, तो वो तो डोज जो है आप जैसे कंडीशन, ऋतु है, सब कुछ देखकर ही हमें करना होगा। धतुरो मदवर्णाग्नि वातकृत ज्वर कुष्ठवत कषायो मधुरस्तिक्तो युकालिका क्षि विनाशक उष्णो गुरुर्वर्ण श्लेष्म कंडु कृमि विषाकः। तो कभी कभी बालों में जो जुए होती है उसके लिए भी इसके पत्तों का लेप या रस लगाना बेटर माना गया है। एंटी इम्प्लांटेशन, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी कैंसर, स्पॉजमोटिक, टॉक्सिकोलॉजिकली एंड कैलाट्रोपिस जिंजिएटा कैन कॉज द पॉइजनिंग। तो ये विष द्रव्य है, जरूर आप ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार से इसका हमें उपयोग करना है कि ये आप शुद्ध करके या जो एक जिस प्रकार से इसको बताया गया है इसी प्रकार से ही इसका
प्रयोग करें ना हम लोग इसको लेकर सीरियसली ही रहना चाहिए। धतूरा ये अलग अलग त्वचा विकारों में भी बेस्ट काम करता है, स्किन डिसीजेस में, कुष्ठ में, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया इसके अलग अलग टाइप है, तो जो खास करके राजनिगंधु वाला जो है उन्होंने ये 5 वैरायटी में बताया, श्वेत, नील, कृष्ण, रक्त एंड पीत। बट मुझे पता नहीं कि ये सारी वैरायटी, बट फूल वगैरह तो सारे मिल जाते हैं, बट जैसे मैंने बताया तो उसी प्रकार से आप ये करके ही इसका प्रयोग करें। इसमें मेजर केमिकल कंपोनेंट्स में विटामिन वगैरह भी होता है, और नोरेटोटॉपिन और स्कोलोपामाइन एंड हायोसिन वगैरह ऐसे तत्व इसमें मिल जाते हैं। आप इसके पत्तों का, फूल का, रूट का और इसका भी, सीड्स का भी प्रयोग कर सकते हो। बट जैसे कि ये टॉक्सिक है तो इसकी टॉक्सिसिटी को दूर करके ही इसका प्रयोग करना है आपको। प्रॉपर प्यूरिफिकेशन करें और फिर स्मॉल क्वांटिटी में देखें। और कभी कभी धतूरा के साथ हलुसिनेशन, हेडेक भी हो सकता है, कन्वल्जस हो सकते हैं, सो बी केयरफुल। और लाइक प्रेग्नेंट महिलाओं में, लैक्टेटिंग मदर्स में, बच्चों में इसका प्रयोग ना करें। आप इसका प्रयोग आपके वैद्य के निगरानी में ही करें, एंड इसीलिए मुझे लगता है बेटर वे आप प्रोप्राइटरी या जो विकल्प बताए गए हैं इस प्रकार से ही इसका प्रयोग करें। शास्त्रों में भी धतूर का जो प्रयोग है गाय के दूध में ही इसको ये करके रख कर ही किया जाता है, और दोला यंत्र में रखा जाता है, इसको स्वेदन किया जाता है और फिर 3 घंटा बताया है और फिर इसको वॉश करके इसका प्रयोग किया जाता है। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी तो कई सारी है इसकी, त्वचा के लिए, स्किन क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, फिर आप जैसे कोई ऊंड है तो उसमें भी आप इसको हील करने के लिए लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली धतूरा ये पेन और सूजन के लिए बेस्ट है, तो जहां पर आपको लग रहा है कोई ऊंड जख्म है वहां पे पेन भी हो रहा है तो आप इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर सकते हैं। ज्वरग्न और भेषज रत्नावली में ज्वर के ही अध्ययन में इसका वर्णन आया है। इवन ये कंडू वगैरह के लिए भी बेस्ट काम करता है। प्यूरिफाइड धतूरा का प्रयोग क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स या अस्थमा, इसमें अस्थमा में काफी इसका रिजल्ट अच्छा देखा जाता है। काफी अच्छे से ये जो श्वास व संस्थान में एक प्रकार से जो इरिटेशन है, जो सूजन है, उसको ये कम करता है। सो ये हम लोग उसको प्रयोग कर सकते हैं। अभी धतूरा के कल्पों के बारे में बात करते हैं। इसका जो मुख्य कल्प है, मैंने आज इसको क्यों चुना, क्योंकि कनकासो जो है, कनकासो ये एक जानी पहचानी सी मेडिसिन है जिसका प्रयोग आमतौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स में किया जाता है। बट फिर भी आज इसको मैंने यहाँ पे चुना है क्योंकि इसका प्रयोग ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में भी काफी अच्छे से किया जाता है। एंड सो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग या इसमें आप कनकासो का उपयोग कर सकते हो, बिकॉज ये ब्लीडिंग कम करता है, और इसीलिए आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी कि कनकासो कैसे इसका प्रयोग हमें करना चाहिए या कनकासो क्या है। कनकासो हमें खाना खाने के बाद 15 से 20 ml में पानी मिलाकर इसका प्रयोग करें, खाना खाने के बाद ही करें। और जैसे मैंने बताया बच्चों में, प्रेग्नेंट महिलाओं में या वृद्धावस्था में आप इसका संभल कर प्रयोग करें या ना करें, या बहुत कम प्रेगनेंसी में तो नहीं करना है, बच्चों में भी नहीं करना है, बट बड़े लोगों में कर सकते। कुछ डायबिटीज के पेशेंट्स अगर है उसमें इसमें यह डाला होता है ना, गुड़ होता है, तो ब्लड शुगर लेवल को ये अफेक्ट कर सकता है, इसीलिए वहां पर भी आप इसका प्रयोग संभल कर ही करें। आगे बढ़ते हैं। कनकासो तो एक असो है, बिल्कुल इसको फर्मेंट करके ही बनाया गया है, और जो अस्थमा के लिए काफी एक पसंदीदा चॉइस है, बिकॉज ये उसके गुणों के साथ, कषायतिक्त गुणों के साथ कफ का अक्यूमुलेशन, कफ की संचिति को हटा देता है, कफ की संप्राप्ति को भंग करता है, जो लंग में जो एक एक्सेस म्यूकस है उसको वो निकाल देता है, कफ को निकाल देता है। और जैसे ही श्वास व संस्थान से, क्योंकि देखिए उर स्थान में श्वास की, उच्छ्वास निश्वास की जो प्रक्रिया होती है उसमें प्राण वायु और वात दोष का और कफ का, दोनों का, क्योंकि उर स्थान या कफ का स्थान है, बट वहां पे प्राण एंड उदन दोनों वायु की क्रियाएं चलती है। प्राण लेने का काम करता है तो उदन निकालने का काम करता है। बट जब भी यहाँ पे कफ का प्रकोप हो जाएगा और वायु की गति भी विकृत हो जाएगी, क्योंकि कफ ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है तो वायु भी ठीक से आ जा नहीं पाएगा, और बस इसी के कारण खांसी, बलगम निकलना और अस्थमैटिक लक्षण मिलते हैं। तो हमारा प्राइम इसमें ये रहता है, उद्देश्य यही रहता है कि हम लोग हमारे श्वास नलिका से कफ को हटा दे ताकि वहां से वायु ठीक से आ जा सके, हम सांस लेने में कोई तकलीफ ना, बस इसीलिए यहाँ पे म्यूकस को निकालने के लिए और पेशेंट को
आराम मिलने, क्योंकि खास खास के कफ को निकाल कर पेशेंट काफी थक जाता है, तो इसमें आपको कनकासव का बेस्ट रिजल्ट मिल जाता है जो कफ को बैलेंस करता है, और बिल्कुल कफ निकल जाने के बाद पेशेंट को बेस्ट लगता है। एंड एक प्रकार से स्पुटम भी निकल जाता है, स्पुटम निकल जाता है तो रोज की गतिविधियां, श्वसन की प्रक्रिया ठीक से होने लगती है। एंड सो इसका प्रयोग हम लोग वात कफ बैलेंस के लिए भी करते हैं। अभी अगर ये श्वास व स्तोमतान का वैधि भी हमने माना, श्वास को, अस्थमा को, बट फिर भी ये अमाशय समुद्ध वैधि है, बिकॉज अमाशय ये कफ दोष का स्थान भी है। अमाशय में दोनों दोष रहते हैं, पित्त भी रहता है, कफ दोष भी रहता है। अमाशय के साथ साथ पूरा स्थान भी कफ दोष का स्थान है, तो ये अमाशय समुद्ध है। और इसीलिए हम लोग जब भी वमन देते हैं तो वमन की क्रिया मुख्य रूप से आमाशय पर होती है, और आमाशय में दुष्ट कफ निकल जाने के बाद पेशेंट को बहुत अच्छा लगने लगता है। वमन के पश्चात पेशेंट काफी बेटर फील करता है, तो इसीलिए कफ की चिकित्सा वमन मानी गई है। और फिर जैसे आपने देखा होगा कि खांसी या सभी श्वास व संस्थान के विकारों में कहीं ना कहीं आम बनना, अग्निमान ये भी संप्राप्ति होती है, तो कनकासो ये खांसी विथ बुखार, खांसी विथ अगर कोई कॉमन कोल्ड जैसे इन्फेक्शन है, प्रतिशाय है, आजकल की जो वायरल फीवर की समस्या बहुत, इस अभी वर्षा ऋतु से मतलब जून जुलाई के महीने से दिसंबर तक ये सीजन चलता है कि लाइक ठंडी बजना, बुखार आना और कफ होना, बहुत सारे केसेस, बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे कि हाई ग्रेड फीवर, एंड फिर इसमें कभी कभी अभी कफ भी हो जाएगा, बारिश बहुत जगह हो रही, तो बिल्कुल, तो इस प्रकार से अग्निमान होता ही है। तो कनकासो ये ज्वर को भी कम करता है, यानी ये पित्त दोष पर भी काम करेगा, और फिर इसी के साथ साथ एक दीपन पाचन की क्वालिटीज में भी ये काम मदद करता है। एंड सो आप कनकासो पिलाते हो तो आपको सारा मतलब ज्वर कम हो जाएगा, फिर खांसी कम हो जाएगी, दीपन पाचन का भी काम अच्छे से हो जाएगा। सो ओवरऑल ये आपको ज्वर की मैनेजमेंट के लिए बहुत उपयुक्त दवा है। ज्वर के लिए बाकी आप गुरुची और सहस्रमणि वटी बाकी सभी कल्पों का तो प्रयोग करें ही करें, बट इसके साथ आप कनकासो जरूर ऐड करें। ज्वराती सार में ही इसको इंडिकेट किया है भेषज रत्नावली में, तो बिल्कुल जैसे वायरल इन्फेक्शन में कभी कभी एब्डोमिन इन्फेक्शन हो जाता है या डिसेंट्री टाइप के भी लक्षण मिल जाते हैं, तो शायद इसीलिए इसको हमने यहाँ पर दोनों प्रकार से भी इसका काम होता है। इसीलिए आप जरूर कनकासो को इसमें ऐड करिएगा, जो ज्वर की भी सामान्य दवा है, और इसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। एस्थमेटिक इसके लिए कर सकते हैं, 15 से 20 ml दीजिएगा, दिन में 2 से 3 बार दीजिएगा, 3 बार चलेगा, पेशेंट को बहुत ज्यादा कफ है तो। नॉर्मल कफ के लिए आप 2 बार दे सकते हैं। और कफ के साथ साथ जो मतलब सोर थ्रोट होती है या लाइक फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, इसमें भी जो अकुमुलेशन है कफ का क्लेद का, उसको ये निकाल देता है। सो एक मैं बार बार बता रही हूँ वही कि ये बेनिफिट रहेगा आपको सभी ऐसे कफ एंड अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स के लिए। बट इसी के साथ साथ जो बाकी लाइक हमारे ब्रोंकस है, उसके ब्रांचेस होते हैं, जो श्वास नलिका है, वाइंड टूपी पाइप है, जो उसकी ब्रोंकाइज है, ब्रांचेस है, लंग्स है, वहां पे भी जो कफ जमा होता है उसको भी वो निकाल देता है। तो वो बिल्कुल कास रोगों में भी, ब्रोंकाइटिस, श्वास कास दोनों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बिकॉज खांसी भी तो वही वैसे ही आती है, खांसी में भी वात कफ का ही प्रधानता होती है ना, भले खांसी रूखी हो या बलगम वाली हो, बट खांसी में वायु को अवरोध हो रहा है कफ का, और इस वायु के प्राकृत कार्य में कफ अवरोध कर रहा है, तो इसीलिए हमें इसको निकालना है। इस कफ को निकालने के लिए कफ का विलयन करने वाले द्रव्यों का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कफकुटा रस है या बाकी श्वास का चिंतामणि वगैरह, कितने सारे त्रिकटू, शुंठी, बहुत सिंपल सिंपल तरीके से भी हम लोग कफ को निकालते हैं, चाय काढ़ा वगैरह वगैरह, षडंग पानी भी यूज करते हैं। तो कनकासो भी आपको इसमें, यानी ब्रोंकाइटिस में भी मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है क्रॉनिक टाइप का फीवर, यानी परसिस्टेंट फीवर, कमी नहीं हो रहा है। सभी प्रकार के फीवर में जो आपको काफी लगातार चल रहा है, 5-7 दिन हो गए, काफी मेडिसिन चल रही है बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसमें भी आप तो दे सकते हो, जो माइल्ड भी होगा या क्रॉनिक भी होगा, दोनों में भी आप हाई ग्रेड फीवर में भी देना है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आम इसमें है ही, बिल्कुल आम, फॉरेन पार्टिकल्स, क्योंकि ये माइक्रोबायल भी काम करता है ना, धतूरा एंटी माइक्रोबियल है, तो जो भी आपको लगता है आजकल के डॉक्टर बता देते हैं ना वायरल इन्फेक्शन, बस वही एक बार वायरल इन्फेक्शन बता दिया तो बात खत्म, बस बाकी कुछ पूछने का ही नहीं है, तो बिल्कुल वायरल इन्फेक्शन, वायरसेस, ऑर्गेनिज्म जो भी है ये कनकासो से दूर हो जाएंगे, और मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, अन्नव स्त्रोतस, श्वासव स्त्रोतस, रसव स्त्रोतस, सभी ये 3-4 स्त्रोतस पर ये काम करेगा।
और धीरे धीरे पेशेंट की हालत में इम्प्रूवमेंट होगी, बुखार कम होगा, अन्न का पचन भी ठीक से होने लगेगा, पेशेंट को खाने की इच्छा होगी, पेशेंट की खांसी बलगम कम हो जाएगा तो उसको थोड़ा सा ताकत भी मिलेगी, क्योंकि खासकर और ये करा कर भी बहुत ऐसे थकान सी होने लग जाती है, तो इसीलिए आप इसमें कनकासो का जरूर प्रयोग करें। नेक्स्ट है कनकासो का प्रयोग ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में। अभी जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स बोलेंगे तो नासागत पित्त रक्त है, गुदगत स्त्राव है रक्त का, या फिर डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, इसमें भी आप कनकासो का प्रयोग कर सकते हो। ये मतलब उसके लिए ही काफी अच्छे से इसका प्रयोग किया जाता है, जो इसके सारे कषाय शीत वाली जो प्रॉपर्टीज है, सो इसीलिए जख्म में व्रण में भी है ये, तो एक्चुअली ब्रोंकोडायलेटर के रूप में ही यूज किया जाता है, बट जैसे मैंने बताया आपको इसका रेफरेंस, ये आप एक प्रकार से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स यानी डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में भी आप इसका यूज करके देखिएगा। एक दूसरा जैसे नासागत में भी बेस्ट काम करेगा ये रक्त पित्त में। दूसरा एक इसका जो उपयोग है, जैसे श्वसन व संस्थान के व्याधियों में ही आता है, क्षतक्षीण, क्षतक्षीण और दोनों भी, मतलब ये उरक्षत और क्षतक्षीण दोनों में भी जो एक पेशेंट में इनिशिएशन होता है तो वेट गेन करना पड़ता है, कभी कभी उरक्षत में चेस्ट इंजरी भी होती है, तो अभी देखिए इसमें मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि क्या क्या है इसमें। क्या है, एक तो इम्पोर्टेंटली प्यूरिफाइड धतूरा है, नेक्स्ट क्या है वृक्षमूल यानी वासा, वासा इसमें इसके बराबर मात्रा में, कनक के बराबर मात्रा में वासा है, यष्टि मधु जो कि कफ का विलयन, बल्य, जीवनीय, चक्षुष्य, उर पर यानी ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधियों में यष्टि मधु का ड्रामेटिक यानी अमेजिंग इफेक्ट है। पिपली वो भी उष्ण है और कफ शमन करेगी, कंटकारी कफ का शमन करेगी, एंड देन नागकेशर वो भी इसी प्रकार से स्तंभन का काम करता है नागकेशर, शुंठी बिल्कुल आम पाचन से लेकर ज्वरग्न विषग्न सभी काम शुंठी करती, भारंगी का रूट है, भारंगी भी बेस्ट कासग्न कफग्न काम करती है, तालिस पत्र के पत्ते हैं तो वो भी कफग्न ही काम करेंगे, धात की पुष्प है जो स्तंभन का काम करते हैं यानी ये रक्त का स्तंभन करेंगे, द्राक्षा रक्त का स्तंभन, जीवनीय और द्राक्षा यह प्राण व संस्थान के लिए रसायन के रूप में काम करती है, फिर बाद में इसमें शुगर एंड हनी, इसलिए मैंने बताया कि आप कनकासो का प्रयोग करते हैं तो डायबिटीज पेशेंट में थोड़ा सा संभल कर करें, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स का काम देखिए कैसे होता होगा, एंड सो कि इसीलिए ये श्वास कास एवं सभी प्राण व स्रोतस के विकारों के लिए अद्भुत रूप से काम करता है। एंड देखिए इसका जो रोगाधिकार बताया है, हिक्का श्वास अधिकार निहंती निखिलान श्वासान कासम यक्ष्मानेमं च क्षतक्षीणम ज्वरम जीर्णम रक्त पित्तम उरक्षतम, तो ये सारे व्याधि इसमें आ गए जो कनकासों के लिए मैं बता रही हूँ इसका। एंड झेंडू, सांडू, डाबर, बैद्यनाथ सभी कंपनियां कनकासों को बनाती है, एंड इट्स रियली इजीली अवेलेबल। आपको बच्चों में भी बस थोड़ा सा वेट देखिएगा, बच्चों की प्रकृति देखिएगा, कम मात्रा में 2 ml 3 ml की मात्रा में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैंने बताया शुगर इसमें है, बट फिर भी आप देखकर इसका प्रयोग करें, लाइक शुगर के पेशेंट्स है तो कभी कभी नॉजिया हेडेक हो सकता है तो डायल्यूट करके ही पीना है, बहुत पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, मैंने भी सुना है कि लाइक इसके साथ थोड़ा सा ये होता है, बट मैं वही इसीलिए बता रही हूँ कि वो पेशेंट को बता दीजिएगा, एंड फिर बाद में आप इसमें सूक्ष्म त्रिफला, गुरुचादी घनवटी एंड संशमनी वटी वगैरह भी सारे मेडिसिन इसमें ऐड करें, बेटर आपको रिजल्ट मिले इसीलिए, तो यानी फिर आपको श्वास का जो भी समस्या है इसके लिए आप इसका प्रयोग अच्छे से कर सकती है। आप इसको महीना, 1 महीने के लिए तो आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दे। आपको रक्त पित्त या डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में भी आप 1 महीने तक प्रयोग करें, बस मैं बताऊंगी प्रेगनेंसी में ना करें, बट जो बाकी महिलाएं हैं जिनको ऐसी समस्या हो रही है तो वो इसमें इसका प्रयोग करके देखे जरूर, क्योंकि ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में भी काफी अच्छे से रिजल्ट देगा। तो आज हमने डिस्कस किया धतूरा के कल्पों को देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें सबसे अच्छा वाला जो है कनकासो को मैंने बताया है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं दूसरा जो कल्प है उस वो है विषगर्भ तेल। हम सभी जानते हैं विषगर्भ तेल के बारे में कि ये एक बेहतरीन तेल है जो आर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन, स्टिफनेस, मंडा स्तंभ एंड पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट तरीके से काम करता है, एंड बिल्कुल
सभी प्रकार के मस्कुलोस्केलेटल न्यूरोस्केलेटल मस्कुलर पेन, या फिर कभी कभी ये हो जाता है ना जॉ स्तंभ यानी हनु स्तंभ लॉक हो जाता है, जॉ नेक रिजिडिटी आ जाती है, स्टिफनेस आ जाता है, तो इन सभी केसेस में आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए फिर आप इसकी जानु बस्ती ग्रीवा बस्ती भी कर सकते हैं। आप इसको लॉन्ग टर्म में यूज करें, यानी एक्सटर्नल एप्लीकेशन तो आप 40-45 मिनट 1 घंटा तक जानु बस्ती ग्रीवा बस्ती मन्या बस्ती के रूप में कर सकते हो। एंड तो बिल्कुल ये आप प्रेगनेंसी में केवल अवॉइड करें, एंड एक्चुअली कोई ऐसे ये नहीं है, बट फिर भी अभी इसमें भी क्या क्या है, इसमें धतूरा का स्वरस है 960 ml की मात्रा में, बाकी इसमें कुष्ठोवचा मरीच कांजी है और ये सारे इसमें, और सिसम ऑयल का ही बेस है इसमें, और तिल तेल के बेस में ही विषगर्भ तेल को बनाया जाता है, बट जैसे इसमें वचा कुष्ठ कांजी मरीच वगैरह द्रव्य है, तो ये बिल्कुल इस प्रकार से स्टिफनेस अकड़ाहट जकड़ाहट ये आचार्य बताते हैं भेषज रत्नावली में वात व्याधि रोगाधिकार। तो एनी टाइप ऑफ वात विकार यू कैन डू विथ दिस विषगर्भ ऑयल तेल से आप इसका प्रयोग करें। कभी कभी प्रेगनेंसी लैक्टेशन में एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, इसीलिए बेटर टू अवॉइड, एंड आपको ये एक बेस्ट पेन रिलीविंग तेल के रूप में भी इसका आप यूज कर सकते हैं, और इसके बाद स्टीम दीजिएगा, पेशेंट को बहुत अच्छे से हल्का लगेगा। आप जैसे मैंने बताया लोकल एप्लीकेशन बस्ती ग्रीवा स्थान एंड जानु बस्ती के लिए आप इसका प्रयोग करिएगा, और ये अच्छे से विषगर्भ तेल तो हाँ एक अच्छी मतलब मेडिसिन है, हम लोग कई सालों से इसका प्रयोग करते भी आ रहे हैं, तो इसके लिए मुझे लगता है विषगर्भ तेल में कनक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि आप इसका अर्थराइटिस या ऐसे सभी केसेस में जहां पर भी स्टिफनेस वगैरह है इसका आप जरूर उपयोग करें। ये भी कई सारी कंपनियां बनाती है, एंड खास करके इसका ना हैंड्स एंड लेग के स्टिफ अकड़ाट आ गई है अचानक से ऐसे, अभी आप जैसे अभी आजकल के दिन जो है उसमें ये है ना कि ये आता है अभ्राच्छादित होते हैं, बादल आ जाते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट बता रहे कि कुछ मन्या में पेन हो रहा है या अकड़ाहट सी लग रही है, तो स्टिफनेस लग रहा है, तो इस स्टिफनेस के लिए आपको हल्का सा इसको लगा दीजिए। अभी ये जो ऋतु है कफ भी है थोड़ा सा और वात का भी प्रकोप होता है, तो इसमें इसीलिए आप इस प्रकार से इस तेल का उपयोग करें। बैद्यनाथ और बाकी सभी कंपनियां इसको बनाती है, आप इवन साइटिका के पेन के लिए भी लगा दे सकते हैं, नंबनेस वगैरह है, न्यूरेल्जिया है, इसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बैद्यनाथ वगैरह कंपनियां इसको बनाती है, काफी सारी कंपनियां बनाती है, आप इसको मिक्स करके भी उपयोग कर सकते हैं, यानी तेल तेल में या कैस्टर ऑयल में आप इसको मिक्स करिएगा एंड यूज करिएगा, आपको ऐसे अलग से मतलब अकेला नहीं यूज करना है तो आप इसको ये कर सकते हो, इस प्रकार से मिलाकर भी यूज करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज रियली गुड वन टू यूज इट फॉर एनी टाइप ऑफ पेन, मसल पेन, न्यूरोजेनिक पेन और ज्वाइंट पेन, दोनों तीनों सभी प्रकार के पेन के लिए बेस्ट है। वैसे इसको लेकर कभी कुछ मैंने भी नहीं ऑब्जर्व किया, कभी किसी ने बताया नहीं कि कोई एडवांस या एडवर्स इफेक्ट्स है, ये सेफ ही है वैसे तेल तो, और आराम से इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका जो कल्प है उसमें आता है, अब बालों के लिए भी इसका एक तेल बनता है धतूर पत्रादि तेल, केरला कंपनी इसको बनाती है धतूर पत्रादि तेल, जो बाल खुजलाते हैं या डेंड्रफ, अभी वर्षा ऋतु में भी काफी बाल खराब होते हैं, बालों में डेंड्रफ एंड हेयर फॉल या इचिंग बहुत ज्यादा होता है, तो ये जो धतूर पत्रादि तेल है खास करके बालों के लिए ही बनाया है। मैंने कुछ इसमें भी देखा कि गाँव में जो लोग हैं, गाँव में लोग धतूर के पत्तों का रस निकालकर बालों में लगा देते हैं, वो खुजली और बालों का गिरना कम करने के लिए यूज करते हैं, बट जैसे ये थोड़ा विषग्न प्रभाव वाला है तो आप मतलब अपने अनुभव के हिसाब से इसका प्रयोग करें, बट काफी अच्छे से ये काम करता है, इस प्रकार से भी आप धतूरे का प्रयोग कर सकते हो बालों में लगाने के लिए। धतूरा एफ्रोडोसिक भी काम अच्छा करता है, यानी इसका प्रयोग काफी अच्छे से, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना ये शिव जी का प्रिय चीज है, ये शिव के मंदिर में भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, और ऐसा है माना जाता है कि भगवान शिव को धतूरा बहुत पसंद है, और आपने अगर इसका उनको चढ़ा दिया इस फूल को तो काफी मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। धतूरे को लेकर भी ये बताया जाता है कि इसका जो बीज है आप इसको खाते तो जो थकान है वो दूर हो जाती है, और पुरुषों में
जो एक थकान है, शारीरिक कमजोरी है, उसके लिए भी ये काफी अच्छा माना गया है। और इसका आप धतूरे के बीज को छोटा सा लाइक लौंग डालिएगा इसमें, और शहद मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर आप इसको खा सकते, तो ये अच्छे से शारीरिक क्षमता के लिए अच्छा है। तो बिल्कुल इसका तेल भी मिल जाता है, धतूर का तेल, तो आप तेल का भी प्रयोग कर सकते हो। आप घर में भी धतूर का तेल बना सकते हो, तिल तेल बेस डालकर। तो बालों के लिए बेस्ट माना है, बाल झड़ना या बालों में रूसी हो जाना के लिए बेस्ट है। और आप इस तेल का प्रयोग फिर जोड़ों के दर्द के लिए भी कर सकते हो। एंड ये एफ्रोडोसिक भी माना गया है, गर्भधारणा के लिए भी आप इसका, बट जैसे आप अपने वैद्य की निगरानी से ही इसका प्रयोग करें, धतूर के फलों का चूर्ण, क्योंकि धतूर के फलों का चूर्ण मैंने कभी यूज नहीं करवाया है, तो वो भी गर्भधारणा के लिए अच्छा माना है। आप इसको 2.5 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ दे सकते हैं। मैंने कनकासव, कनक सुंदर रस, इन सभी का यूज करवाया, बट डायरेक्टली धतूर के फल का चूर्ण नहीं यूज किया है। तो आपको जैसे रिलायबल लगे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी तो बुखार सर्दी के लिए भी बेस्ट है, और कृमिदंश वगैरह में भी अच्छा है। कोई कभी कभी अचानक से मसल्स में खिंचाव आ जाता है, और इस खिंचाव के लिए क्या करें, ऐसे होता है। तो अगर आपके आंगन में धतूरा है तो उसकी जड़ ले आइएगा, और उसको गोमूत्र के साथ पीस कर उसको लगा दीजिएगा, थोड़ा सा गर्म करके, तो सूजन कम होने में मदद मिल जाती है। और धतूरे का तेल तो बिल्कुल ऐसे ही आप सभी प्रकार से इंफ्लामेशन के लिए बेस्ट यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये एनाल्जेसिक है। धतूरा ऑयल आपको आराम से मिल जाता है, आप पेन के लिए, या जैसे दांतों में भी दर्द हो रहा है तो एक कॉटन लीजिएगा, कॉटन में ये थोड़ा सा हल्का सा धतूर तेल लगाइए, और फिर कॉटन इसको दांतों के बीच में रख दीजिएगा, बेस्ट रहेगा। धतूर का तेल आप ऐसे यूज कर सकते हैं, और फिर आप ऐसे ही इस तेल का स्काल्प पे भी लगाने के लिए यूज करिएगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा एंड हेयर रूट्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसके साथ फिर जैसे कि न्यू हेयर ग्रोथ के लिए भी मदद मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो बिल्कुल एक और मैं कल्पित का बता देती हूँ। एक और कल्पित, कनक सुंदर रस, जो कि इसके रूप में आता है, टैबलेट के रूप में आता है, 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम के डोज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप छाछ के साथ या इसके साथ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। छाछ खाना, इसके साथ छाछ या दही खाना अच्छा माना गया है, कनक सुंदर रस के साथ। एक ये टैबलेट फॉर्म में आती है, ये भी ज्वर की ही दवाई है, ज्वर अतिसार में इसका प्रयोग बता रहे। इट ऑल्सो बैलेंसेज द वात कफा, फीवर विद डायरिया, फीवर विद डिसेंट्री, इनडाइजेशन विद फीवर, एनोरोक्सिया, ऐसे सभी कंडीशन में कनक सुंदर रस दिया जाता है। और जैसे मैंने बताया, ये आप 1 महीने तक यूज करें, 250 to 500 मिलीग्राम की मात्रा में इसको दिया जा सकता है, और ये बेस्ट काम करता है। इसमें है मरीच है, पिपली है, टंकन है जो कफ का शोषण करती है, और इसमें धतूरा तो है ही, ऑफ कोर्स मरीच है जो वो भी कफ का शोषण करता है, हिंगोल भी डाला गया है, एंड प्यूरिफाइड ही है, सारे प्यूरिफाइड गंधक भी डाला गया है इसमें, और थोड़ा कनक सुंदर रस। ये फिर जैसे इसका बनता है रस कल्प के में ही इसका आता है, भेषज रत्नावली के ज्वरातिसार उसमें इसका वर्णन आया है। वैसे तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट फिर भी प्रेगनेंसी लैक्टेशन में ना यूज करें। एंड सो आप ज्वर विद अतिसार, ज्वर विद डिसेंट्री, ज्वर विद इनडाइजेशन है, तो कनक सुंदर रस दीजिएगा, बेस्ट आपको इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोग डिस्कस कर रहे धतूरा को, तो धतूरा के कुछ कल्प को भी मैंने बताया, धतूर पत्रादि तैलम, विषगर्भ तेल, कनकासो, कनक सुंदर, धतूरा, ये एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लामेटरी वाला प्रॉपर्टी वाला है। और हम लोग गायनिक के इसमें कैसे यूज करें, तो जैसे मैंने बताया ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ये आप एज एप्रोडोसिक भी यूज कर सकते हो। तो आप, हाँ, एक और इसका है कि धतूरा जो है ना, यूट्रस को डायलेट करता है, थोड़ा सा रिलैक्स करता है, तो मसल को, मसल स्पाज्म रिलैक्स करता है। तो आप डिसमेनोरिया में भी कनकासो का प्रयोग देखिएगा, कनकासो का प्रयोग आप डिसमेनोरिया में करके देखिएगा, बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा, ये इतना इतनी गारंटी मैं दे सकती हूँ। बाकी मैंने डायरेक्ट इसका प्रयोग नहीं करवाया है, बीज का, पत्तों का, बट कल्प का प्रयोग तो हम लोग कर सकते हैं। और फिर जो जैसे कि एक प्रकार से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए भी बेस्ट है, तो पुरुषों में तो वाजीकरण का भी ये काम करता है, तो वहां पे आप यूज ही कर सकते हो इसको, कनकासो को।
सो इस प्रकार से आज के सत्र में हमने कुछ अलग कल्प को लेकर चर्चा करनी थी, इसलिए मैंने आज धतुर को सेलेक्ट किया, बिकॉज धतुर को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं होती क्योंकि ये थोड़ा सा टॉक्सिक है इसीलिए, बट फिर भी हम लोग इसको प्यूरिफाई करके और अपने विकल्प के साथ, अपने अनुभव के साथ, कल्पों के रूप में अवेलेबल जो मार्केट में, इसके साथ इसका प्रयोग तो जरूर कर सकते हैं। नमस्ते सभी को। बोलिए अंजू, बहुत दिनों के बाद। नमस्ते। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए मैम, कैसी है? बोलिए। ठीक हूँ मैम, अच्छा बताया मैम आपने। बाकी तो सभी यूज किया हुआ मैंने, बट कनक सुंदर रस नहीं मैंने कभी यूज किया ना। अच्छा अच्छा, हाँ वो अभी आपने बताया तो फिर करूंगी यूज उसको। हाँ कनक सुंदर रस मैम ज्वर और अतिसार भी थे ना, तो दीजिएगा। जी मैम जी। यस, और कुछ? बाकी तो मैम सब ठीक चल रहा है। हाँ, पेशेंट्स वगैरह कुछ स्पेसिफिक है क्या, बताइए। पेशेंट मैम एक है मैम, पेशेंट ब्रेस्ट में उसकी सिस्ट है, सिस्ट की, ब्रेस्ट सिस्ट। हाँ, तो उसको था मींस 1 ईयर से ये प्रॉब्लम चल रही है उसको। पहले उसको पेन वगैरह भी होता था ब्रेस्ट में ना, थ्रू आउट मंथ रहता था, बट अभी उसको पेन तो नहीं हो रहा। वही दीपन पाचन वगैरह करवा के उसके बाद मैंने उसको थोड़ा शुरू किया, त्रिफला गुगल, कंचनार गुगल या वरुण आदि कषाय शुरू किया है। और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? अच्छा, एज क्या है पेशेंट की और थोड़ा हिस्ट्री बताइए। माधुरी पूछिए, सिम्टम्स क्या है एक्चुअली? मैम उसको ब्रेस्ट में पेन थी। पेन ही है, सिक्रेशन वगैरह है क्या कुछ? नहीं नहीं नहीं, कोई सिक्रेशन वगैरह कुछ नहीं था। आपने कोई गूगल कल्प यूज किया मैम? अभी मैंने, हाँ जी, कंचनार गूगल, त्रिफला गूगल, पुनर्नवा मंडूर भी ऐड किया था मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ जी, पुनर्नवा मंडूर, कंचनार गूगल, आरोग्य वर्धनी। पेशेंट कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह ले रही है? नहीं मैम, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। अच्छा, हिस्ट्री ऐसे था कि उसको ना कुछ मतलब चोट लग गई थी, उसकी वजह से उसको ना ब्रेस्ट में पेन होनी शुरू हो गई थी, बट फिर काफी टाइम बाद फिर उन्होंने करवाया उसका ना, स्कैन करवाया, फिर उसमें सिस्ट आई थी वहां पे ना। मैं उसकी भेजती हूँ मैम आपको ना, ग्रुप में भी भेजती। हाँ रिपोर्ट भेजिए ना ग्रुप में, क्या बताया रिपोर्ट में, कुछ खास है बताइए जरा, क्योंकि वो ब्रेस्ट। हाँ जी ग्रुप, हाँ जी मैम, अभी 2020 अगस्त 22 का है उसका लास्ट जो उसने करवाया हुआ है। तो उसमें मैम सिस्टी आई थी 2.5 सेंटीमीटर की। हाँ? एट ए लेफ्ट ब्रेस्ट में और राइट ब्रेस्ट में भी थी, वो 10 mm की थी। अच्छा, अभी चल रही है जैसे उसकी ना, इंट्रा मेमरी सिस्टी आई है विराट्स 2। आपने विरेचन हुआ, बाकी कुछ किया क्या, लोकल एप्लीकेशन ऐसे कुछ? नहीं मैम, लोकल एप्लीकेशन नहीं मैंने दी उनको। अच्छा, हाँ मैंने पिच्छामक उसको वासावले और महामंजिष्टर स्टार्ट किया था। ये सारी मेडिकेशन एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने आरोग्यवर्धिनी, कांचनार गुगुल, वासावले, महामंजिष्ठा कषाय, ये सभी क्यों ऐड किया था, वासावले का क्या रोल है मैम? वो मैंने पित्त को थोड़ा करने के लिए ना, थोड़ा पित्त लग रहा था, थोड़ा ये सोच के, PMS सोच के दिया था वो मैंने। उस इस सारी मेडिसिन से थोड़ा ये हो गया कि उसको पेन रिलीफ हो गई ब्रेस्ट में ना। अभी मैं उसको जैसे सिस्ट को करने के लिए ना, रिजॉल्व करने के लिए मैंने कांचनार गूगल, त्रिफला गूगल, वरुण आदि कषाय दिया है। कितने दिन हो गए देखकर, कुछ रिजल्ट मिला आपको? अभी मैम शुरू किया है अभी मैंने ना, ये अच्छा ठीक है, पहले 1 month दी है वो पिछली वाली मेडिसिन मैंने। दीपन पाचन आपने माउस पाचक या रस पाचक ऐसे क्यों दिया? रस पाचक भी देना चाहिए मैम, मैंने आरोग्यवर्धिनी दी थी मैंने, मेरे पास यहाँ पे रस पाचक दीजिएगा जरूर आप ना, रस पाचक अच्छा रहेगा इसमें। हाँ
और ये तो गुरुचि भी डालिए मैम, गुरुचि भी काफी अच्छे से पित्त का भी ये करती है। और पेशेंट के हेतु क्या मिले, कुछ वात पित्त कफोपक वगैरह क्या मिले? कफवात वाले सिम्टम्स ही हैं हेतु उसका, वही उसको ना थोड़ा चोट लगी थी तो उसकी वजह से उसको, उसने जो बताया उसकी वजह से उसको जैसे सिस्टम बाद में आई। अच्छा, चोट लगी थी तो क्या कुछ ऐसे घाव वगैरह बन गया था या नहीं ऐसे नहीं ऐसा ही ऐसा लगा? ऐसा कुछ नहीं, इंटरनल कुछ नहीं हुआ था, वो ऊपर ऊपर से ही थी, ऐसे कुछ नहीं बाकी हुआ था। पेशेंट की जनरल कंडीशन और बाकी सब कुछ ठीक ही है कोई? हाँ जी, बाकी सब कुछ ठीक है पेशेंट का। ठीक है। और बताइए माधुरी, आप पूछिए, कुछ पूछना है क्या इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं? मैम उनका मेंसेस होगा सब ठीक आ रहा है क्या? कुछ हाँ जी हाँ जी, वो नॉर्मल है मैम, उसके पीरियड्स क्लास वगैरह नहीं है ना कुछ? नहीं, नहीं कुछ भी नहीं था। और उनको भूख लग रही है, खुद भूख लगती है कि नहीं लग रही? भूख लग रही है मैम उसको। हाँ हाँ मैम, कांचनार वगैरह गूगल भी चालू कीजिए हम बाद में। जी, अभी अभी मैंने कांचना चल रहा है कांचनार तो ग्रुप शुरू किया है। एक, हाँ कुबेर वटी है वो भी चल कर के कुबेराक्ष दे दो। कुबेराक्ष कुबेराक्ष दे वटी, सकते हैं। हाँ कुबेराक्ष दे कल्याणक सकते। क्षार जो आता है वो ऐड कर सकते हैं इसमें मैं, कल्याणक कौन क्षार, सा? कल्याण कल्याणक अक्षार? क्षार। नहीं मुझे नहीं लगता अभी तो जरूरत है करके, ओके तो नहीं डाली अभी तो नहीं लगता है अभी, ये इतना मैम थोड़ा सा जैसे वो समय मैम होने देना चाहिए, लेना चाहिए। एक विरेचन थोड़ा करिए ना मैम, विरेचन से थोड़ा रिलीफ मिलेगा अभी पेशेंट को अच्छे से, अभी सब मैं कुछ डेली नहीं विरेचन के लग लिए डाल सकती हूँ उसको, बट शास्त्रोक्त नहीं है पॉसिबल यहाँ पे ना। रहा। हाँ। मैम आप दशमूल अरिष्ट दीजिए उसको। ठीक है, ठीक हाँ दशमूल अरिष्ट चालू कीजिए उसे, उसके साथ कुछ और पुनर्नवा आसव वगैरह ऐड करके देना है हाँ कि जी। तो कैसे? मैंने लास्ट मंथ पुनर्नवा मंडूक दिया था, अभी बंद किया मैंने पुनर्नवा मंडूक ना। हाँ तो दशमो अरिष्ट दीजिए आप। लक्ष्मूल अरिष्ट मैम किस पर्पज के लिए उसमें ऐड करना है? नहीं एक्चुअली वो तो स्वेलिंग और पेन के लिए भी जो है, दशमो तो हर वे पेन का काम ठीक पे। है, अब पेन पेन रिलीव है उसका, हाँ कुछ तो आपने वो उसमें कैबेज ऐड। के पत्ते वगैरह बांधते वो बताया था क्या? आजकल बहुत चलता है ना उसका भी, हाँ कैबेज वो पोटली लीव्स। स्वेद कीजिए ना, पोटली स्वेद वगैरह, बराबर बोल रहे मैडम। हाँ ठीक है, मैंने वो किया तो नहीं है बट अभी चलो आपने कर लोकल सकते हैं। एग्जामिनेशन किया क्या मैडम अंजू? हाँ जी ब्रेस्ट मैम, एग्जामिनेशन किया, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी किया था मैंने। अच्छा तो अभी कैसा है उसका फीलिंग और क्या है लाइक? मैम ऐसे एज सच लोकल एग्जामिनेशन से बहुत ज्यादा नहीं पता चलता, वो तो उसके जो उसने स्कैन करवाई थी उसी में ही पता चल रहा था। अच्छा, ठीक हाँ जी। ठीक है। एक और मैम मेरी पेशेंट है पीसीओडी की, उसको एक एमिनोरिया है एक बार ना उसकी। इसको 15 दिन के लिए तो हरिद्राखंड दीजिएगा, हरिद्रा भी बेस्ट रहता है एक्चुअली। आप हाँ लोकल जी एप्लीकेशन भी हरिद्रा, करवा सकते हैं, हरिद्रा का करवाइएगा हरिद्रा। और हाँ आप इसमें धतूर, आप भी मैंने जैसे धतूर का बताया था, धतूर के पत्ते डालकर भी कर सकती है, या अगर आपको पित्त प्रधान संप्राप्ति लग रही है या वात कफ प्रधान जो भी, तो दशांग लेप भी करके देखिएगा, सूजन वगैरह ऐसे है तो वो भी डाल के आप हल्दी में लगाकर कर सकती है। ठीक है मैम, ठीक है ओके। और एक फिर अभी जैसे वरुणा, वरुण का भी अच्छा रोल रहता है एक्चुअली इस हाँ जी वो रिफ। वरुण आदि के शायद मैंने ऐड किया है, फिर 1 मंथ देती हूँ ये मेडिसिन, फिर 1 मंथ के बाद देखती हूँ फिर। हाँ ठीक है, 1 महीने के बाद थोड़ा और बताइए फिर। मैम और कुछ महीने ऐड करे आप, तो फिर हम लोग पंचवल्कल यानी नेग्रोदादी गण के भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं वैसे इसमें। जी मैम मैम, लेखनीय गण का काढ़ा भी दे सकते हैं, हाँ लेखनीय जी गण का लेखनी गण का काढ़ा, ना, हाँ वो भी आप दे सकती है। आप त्रिफला हाँ घृत भी चालू कर सकती है, बोलते ना वो मैंने इसके साथ गुगल फिर के फॉर्म पे ऐड पंचतिक्तक किया भी फिर उसमें। अच्छा रहेगा, पंचतिक्तक भी है ओके, लेखनी गण ऐड करती हूँ इसमें, सही हाँ। रहेगा काढ़े के साथ ही जैसे वो मेडिसिन ले लें। क्योंकि ये एक मतलब प्रॉपर ट्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, ऐसे कुछ हिस्ट्री है क्या डिलीवरी की वगैरह, क्या ऐसे कुछ है क्या मैम स्पेसिफिक? नहीं मैम ऐसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी तो उसकी एज भी 43 45 है, अभी अच्छा अच्छा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी मॉडर्न कुछ चल रहा है क्या उसको, एलोपैथी नहीं, मेडिसिन? नहीं 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 ठीक है, क्योंकि गूगल तो रखी है उसको, गूगल के बिना तो ये लंप डिजोल्व नहीं होगा लाइक ये सिस्ट डिसॉल्व नहीं होगी। जी मैम, थोड़ा बाकी योगा प्राणायाम वगैरह भी बताइए, लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह भी बताइएगा।
मैम त्रिफला गूगल भी देते हैं डिजॉल्व होने के, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। दिया मैम, मैंने त्रिफला गूगल ऐड किया हुआ कोई है। सुवर्ण कल्प ऐड किया आपने कभी इसमें? नहीं मैम, नहीं वन कलप नहीं मैंने अभी कोई भी ऐड किया। दूसरा क्या पूछ रही थी आप बताइए। पीसीओडी मैम, एमेनोरिया, पीसीओडी विद एमेनोरिया। बताइए डिटेल्स, पेशेंट कैसे क्या है। मैम एक्चुअली पेशेंट आई है मेरे पास इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेने, जैसे 3 साल हो गए उसकी मैरिज को, बट वही पीसीओडी की प्रॉब्लम, उसको पीरियड्स टाइम पे नहीं आते। अभी उसको 3-4 महीने से एमेनोरिया चल रहा है। अवरोधात्मक संप्राप्ति पूरी, ओबीज है थोड़ी वो पेशेंट। इससे पहले एज, उन्होंने एज क्या बताया एज? एज मैम उसकी है 26। मैरिड? हाँ जी हाँ जी, मैरिड है मैम। इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए आई थी वो, हाँ, ठीक है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी। अभी कितने दिन से अमेनोरिया है? अभी उसको मैम 3 मंथ से एमेनोरिया है। इसके पहले रेगुलर था क्या, कैसे था पैटर्न? तब भी उसको कभी आते थे पीरियड 1 महीने 2 महीने, कभी नहीं आते थे। अभी 3 मंथ से तो है ही है कुछ उसको एमेनोरिया। पीसीओडी या आपने कुछ हाँ यूएसजी जी क्या मैम, इन्वेस्टिगेशन करा? पॉलीसिस्टिक, हाँ जी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पीसीओडी, चेंजेस आए हैं उसके ना अभी स्कैन में वेट गेन या और क्या लक्षण है, कुछ पेन मैम। क्रैम्स? मैम वो भी था, उसको पेन भी था, उसको बॉडी एक्स भी थे, क्रैम्प्स भी थे उसको, बट तो मैंने इसमें वही, तो टिपिकल, अगर आपको ये पीसीओडी का केस लग रहा है तो कफोवात प्रकोप ऐसे अवरोध जनित संप्राप्ति है, तो मैम स्टार्ट विद दीपन पाचन विरेचन, कुछ पूरा कस कुछ इसमें करना पड़ेगा। अगर ओबेसिटी वगैरह वजन बढ़ा है तो फिर हम लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। ठीक है मैम। आप पहले आरोग्य दीपन पाचन स्टार्ट करिए, रस रक्त पाचन स्टार्ट करिएगा, आरोग्य वर्धिनी चंद्र प्रभा वटी दीजिएगा, एक पंद्रह ओके दिन का, 10 दिन का पाचक, रस रक्त पाचक, आरोग्य वर्धिनी 15 दिन, 15 दिन चंद्र प्रभा वटी, है ना? ठीक है मैम। और फिर आप लाइक इसके लिए हम त्रिफला या इसका उपयोग कर सकते हैं, स्नेह पान, फिर विरेचन करें। एक पॉइंट ऑफ व्यू वही चलना पड़ेगा। वजन बढ़ा है पेशेंट का, ऐसे कुछ है हिस्ट्री में? हाँ जी हाँ जी मैम, ओबीज है पेशेंट, पेशेंट ना वो, कितना है उसका वेट, पहले कितना वेट गेन कितना हुआ है पिछले साल में 6 महीने में? कुछ जैसे लेखन के लिए कैसे क्या विचार करना होगा वो भी देखना पड़ेगा, कैसे विचार करें लेखन का, या फिर आप उद्वर्तन यूज करेंगे या कुछ और गूगल ऐड करें जो मेध धातु के ऊपर काम करने वाला, ऐसे कितना है जी अभी? मैम। 70 है 80 कितना है वेट, कितना है ये मैम इस टाइम तो मुझे नहीं नहीं एग्जैक्टली याद? याद नहीं है, बट मैं अच्छा उसकी, चलो पूरा पूरी मैं केस हिस्ट्री लेके ना हाँ, थोड़ा फिर। सा और डिटेल्ड मतलब होते हैं ना पता तो ही अच्छे से बता भी सकते हैं। अगर फिर उद्वर्तन भी बता दीजिएगा, उद्वर्तन से ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है पीसीओडी ठीक में, है मैम, जो एक अवरोध होता है वो भी अच्छे से रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। अभी आपने मेंसेस आने की पॉइंट ऑफ व्यू क्या दिया बताइए। मैंने उसको पहले मैंने उसको चित्रकादी वटी और आरोग्यवर्धनी वटी दी थी। उसके बाद मैं उसको रज परवर्तनी वटी और नष्ट पुष्पांतक रस ऐड किया था मैंने उसको, बट अभी तक आए तो नहीं है पीरियड उसको। तो आज उसने स्कैन करवाई थी, वही उसमें पीसीओएस के चेंजेस आए हैं। वो स्कैन भी भेजिए जरा, एक बार देख लेते हैं रिपोर्ट्स को, है ना? ठीक है विरेचन दे मैम। दीजिए मैम, विरेचन के बाद शायद आ जाए नस्य, कुछ बताया नस्य विरेचन कुछ ऐसे। नस्य, हाँ मैम नस्य नहीं मैंने ऐड किया, विरेचन के लिए मैंने उसको त्रिवृत्त अवलेह दिया हुआ है, बट वही डेली शास्त्रोक्त विरेचन तो थोड़ा यहाँ पे नहीं है ऐसा मेरे हाँ मेरी प्लेस पे ना, नहीं ठीक है, अभिपत्तिकर वगैरह तो त्रिवृत्त भी चल सकता है ना? अवलेह दिया हुआ है मैम मैंने। अच्छा एक फिर आप ऐड करिए मैम, हिंगू वचा चूर्ण भी ऐड करिएगा, हिंगू वचा अजमोदा मिलाकर दे सकते हो, ये ओके इसके लिए भी अच्छा रहेगा पीसीओडी। और एक प्रकार से जैसे अभी अनाहतों की चिकित्सा में हमें पित्त को बढ़ाना होता है ना, थोड़े क्षार लवण उष्ण द्रव्यों का प्रयोग बताया है, तो वो भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा और कफ का छेदन भेदन भी हो जाएगा। ये हिंगू हाँ वचा दि जी चूर्ण है, नजमोदा दीजिएगा, ठीक पुष्पधन्वा है दिया मैम। बोला ना आपने, पुष्पधन्वा, नहीं मैम अभी नहीं दिया, एक ये कोई आपकी बात सही है वसंतकल्पक, मैम। वसंतकल्पक, क्योंकि अभी तो हमारा पॉइंट वो भी रहेगा कि थोड़ा रस धातु को इम्प्रूव करे, रस का अवरोध कम करे ताकि आर्तो ठीक से बने, आर्तो प्रवृत्ति हो ऐसे।
मैम मैंने वसंत कल्प कोई नहीं दिया, वही मैं एक्चुअली मैं शुरू शुरू में डालना नहीं चाहती थी ऐसा कोई वसंत हाँ कल्प ठीक ना, है, तो बाद में मुझे डालिए खास। फिर, अभी जरूरत नहीं, अभी पहले एक बार उसको ये थोड़ी पाचन दीपन हो जाए, आम कम हो जाए, अरे विरेचन हाँ से तो दोष निकल जाएंगे तो इसमें भी रस धातु या अग्नि भी अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, फिर धातु अच्छे बनेंगे तो पीरियड रेगुलराइज हो जाएगा, आ तो जाएगा, पहले अभी आया ही नहीं है तो। हाँ जी, नहीं मैम आपका पॉइंट मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि मुझे कफ वात शामक और पित्तवर्धक ट्रीटमेंट देना, वो आपने अजमोदा दी चूर्ण और अंगूबच्चा दी चूर्ण का जो कॉम्बिनेशन बताया ना, वो आई थिंक इस पे पूरा सेट बैठेगा उनको ना। और फिर बाद में नेक्स्ट महीने में अब फिर मेदो पाचन, अभी रसरक्त का पाचन करें, फिर मेदो का पाचन करें, माउस मेदो पाचन, फिर आप ओके जैसे कोलकलता चूर्ण है और चंद्रप्रभा भी एक बार एक देना ही है इस पेशेंट में, चंद्रप्रभा का भी काफी अच्छा रोल रहता है ना, मूत्र वह आता वह पीसीओडी की सिम्टम्स के लिए, फिर आप जैसे एक बदल बदल के प्लान पूरा, पीसीओडी की ट्रीटमेंट तो 3 6 4 महीने चल सकती है, तो हाँ इसमें आप जी हर महीने में दशमूल कभी यूज करिएगा, पुष्पधनवा ठीक है कभी यूज करिएगा, ऐसे बदल बदल कर, फिर एक मंजिष्ठा भी रक्त धातु के लिए बेस्ट है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप विचार करिएगा शमन चिकित्सा में, फिर आप शोधन में जो भी जैसे भी आपको सुटेबल रहेगा आप कर सकती है, क्योंकि इसमें देखिए रस का भी दुष्टि है, ये रस प्रदोषज में भी आता है, ये मेद दुष्टि भी आता है, ये संतर्पणोत्तर भी व्याधि है, जैसे इसमें वजन बढ़ा है कफ का, ये है, ये आप वात व्याधि में ले सकते हो, ये आप रज दुष्टि में ले सकते हो, आप वंध्या में ले सकते हो, तो इतनी सारी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे विचार करना है ना, ठीक है मैम, ठीक है ठीक है मैम। तो उन सभी को कपालभाति देखिए। द्रव्य जो है सर, जैसे रस रक्त पाचक हमने देना है, तो 15 15 डेज के लिए दूं ये? हाँ चलेगा ना, दीजिए 15 दिन दीजिएगा, आप आम के लक्षण कितने देखिए ना पेशेंट में, आम कितना है, मल मूत्र कैसा है, जीवा देखिएगा, और फिर तय करिएगा, कम से कम 7 10 दिन तो देना ही पड़ेगा, और जब बहुत ज्यादा आम है तो 15 दिन दीजिएगा, बट देना ठीक तो है अच्छा ही रहेगा मैम, इसमें 15 दिन तो दीजिएगा, वैसे भी पेशेंट का वजन वगैरह भी बड़ा है तो आम है अग्निमान्द्य है ही, तो दीजिएगा आप, जरूर दीजिएगा इसमें ठीक है ठीक एक, और रखती हूँ मैं उसका ये। ये सोनोग्राफी भी डालिएगा, और वो जो आपका ब्रेस्ट पेन वाला है ना, इसमें मुझे थोड़ा सा एक और पेशेंट आएगी क्या, और इसमें जूम पे आएगी, देखिएगा नहीं देखिएगा मैम, आएगी, वैसे तो नहीं आएगी। अच्छा मतलब और थोड़ा कुछ पूछ सकते थे, जैसे पेशेंट सामने आता है और पॉइंट ऑफ व्यू कुछ हम लोग हिस्ट्री में ऐड कर सकते हैं इसमें, मैम जंक फूड वगैरह नहीं खाती थी ना ज्यादा, नहीं मैम, नहीं, रात्रि जागरण या दही नहीं का सेवन ज्यादा, दही वगैरह ऐसा कुछ? नहीं ऐसा ऐसा थोड़ा डाइट का तो गड़बड़ रहती है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ना वो तो सभी की होती ही है। ठीक है, पर ठीक ये है आप चालू रखिएगा, थोड़ा सिस्ट गलने के लिए तो टाइम ही लगेगा ना, कुबेराक्ष, कांचना, रस पाचक, रक्त पाचक, मांस ठीक, पाचक, दीपन मेद पाचन से पाचक, ही स्टार्ट करें तो ही कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए। और मेद पाचक इसमें भी लहसुन आदि वटी वगैरह भी दे सकते हैं दीपक से, गोमूत्र ठीक हरी तक ही अच्छा काम करेगा, लेखन कार्य करता ठीक है मैम, ठीक है ठीक है। आप करिए प्लान, अभी इसमें से जैसे आपको जो भी ठीक लगे ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना चाहिए है ना, है मैम, ठीक है तो और अच्छा लगेगा, ठीक है फिर जी मैम। चलिए, फिर आज के लिए रुकिए क्या, अगर कोई किसी का ये नहीं है तो, यस मैम, थैंक यू मैम, नाइस लेक्चर, यस चलिए फिर, आप दत्तुर को याद रखिएगा, दत्तुर के कल्पों को, ओके।